आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने दावा कर भूचाल मचा दिया है। दरअसल सेना के रिटायर्ड जवान ने पाकिस्तान की फिल्म जगत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। लंदन में रहने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी और पूर्व सैनिकों की सोसाइटी के प्रवक्ता रह चुके मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी एक्ट्रेस का इस्तेमाल देश के बड़े नेताओं को हनी ट्रैप करने में करते थे। आदिल राजा ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और साथ ही ISISI चीफ रह चुके जनरल फैज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सैनिक के अनुसार बाजवा और फैज अभिनेत्रियों को खुफिया एजेंसी के मुख्यालय या सेफ हाउस में बुलाते थे और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। हालांकि उन्होंने किसी अभिनेत्री का नाम खुलकर नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने नाम का पहला अक्षर बता इशारा जरूर किया है। आपको बता दें कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी मेजर आदिल राजा सोल्जर स्पीक नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसी चैनल पर उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी अपने जरूरतों के हिसाब से मॉडल और अभिनेत्रियों का यूज करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि सैन्य अधिकारी ISI और देश के बड़े पदों पर बैठे लोगों को हनी ट्रैप करने के लिए एक्ट्रेस को उनके पास भेजते हैं और फिर उनका वीडियो बना लेते हैं, जिसके बाद मॉडल और अभिनेत्री को ब्लैकमेल किया जाता है।